दोस्तों आप लोगों को शायद याद होगा, बहुत साल पहले इंडिया में काइनेटिक ब्लेज नाम का एक मैक्सी स्कूटर लॉन्च हुआ था। अब शायद इंडिया के रोड्स और राइडिंग के हिसाब से वो स्कूटर उतना फिट नहीं था, इसीलिए काइनेटिक को वो डिसकंटिन्यू करना पड़ा। लेकिन अगर आप आज के डेट में एक मैक्सी स्कूटर लेना चाहते हैं जिसमें आप क्रूज कर सकते हैं, हाईवे राइड्स कर सकते हैं कम्फर्टेबली, तो सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट आपके लिए इकलौता ऑप्शन है इंडियन मार्केट में। और आज आप लोगों को मैं इसका न्यूली लॉन्च्ड मैट ब्लैक कलर दिखाऊंगा, जो मेरे ख्याल से लगता है कि मैट ब्लैक किसी भी बाइक या स्कूटर में बहुत ही प्रीमियम फील दे देता है, प्रीमियम लुक दे देता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सुजुकी ने बर्गमैन का मैट ब्लैक मॉडल लॉन्च किया है। इसके अलावा आपको ये मैट ग्रे और ग्लॉसी ब्लैक में मिलेगा, लेकिन मैट ब्लैक मेरे ख्याल से सबसे सुंदर और सबसे अच्छा दिखता है बर्गमैन स्ट्रीट पर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे बंगाल राइडर, मैं हूं आपका होस्ट अरिजीत। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन को दबा के द बंगाल राइडर फैमिली के हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों, बर्गमैन स्ट्रीट एक अनोखा और कम्प्लीटली अलग एक लुक के साथ आता है मार्केट में दूसरे स्कूटर्स के मुकाबले, और इसमें कलर चेंज के अलावा और कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं है। थोड़ा सा प्रीमियम एक प्राइस टैग के साथ आता है और प्राइस मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊँगा। सबसे पहले आप इस बाइक का, आप इस स्कूटर का मॉडल देख लीजिए, और क्योंकि अनचेंज्ड है इसीलिए मैं आपको एक कम्प्लीट वॉक अराउंड भी दे देता हूँ। अगर आप फ्रंट से देखें तो फ्रंट में आपको कम्प्लीटली LED हेडलैम्प देखने को मिलेगा। अब ये हेडलैम्प फुल्ली LED है, साइड में आपको हाई बीम आएगा और बीच में यहाँ पे लो बीम दिया गया है। आप देख सकते हैं ये लो बीम है, सुजुकी का एक 3D एम्बलम आपको इसके ऊपर मिलेगा और कोई भी डियरल्स नहीं आता है। लेकिन जब आप हाई बीम को ऑन करते तो साइड के जो लाइट्स है वो भी जल जाते हैं। LED का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल हुआ है और DC इलेक्ट्रिकल्स पर ये काम करता है, तो कोई भी हेडलाइट फ्लिकरिंग की प्रॉब्लम यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो इंडिकेटर्स साइड के जो स्कूप्स है उसके साथ इंटीग्रेटेड है, और इंडिकेटर्स यहाँ पे हैलोजन टाइप ही है, यहाँ पे कोई भी LEDs यूज नहीं हुआ है। फ्रंट में अगर देखें तो फ्रंट में बहुत ही एक कर्वी मस्कुलर लुक दिया गया है, बहुत ही शार्प कट्स एंड क्रीजेस इस स्कूटर में आपको देखने को मिलेगा। वैसे फुल्ली फाइबर बॉडी है। ऊपर में आपको एक विंडशील्ड मिल जाता है जहाँ पे नंबर प्लेट लगाने का जगह मिलेगा, और ये विंडशील्ड थोड़ा हद तक विंड ब्लास्ट से प्रोटेक्ट कर देता है। इसके अगर हैंडल बार को देखें तो दूसरे स्कूटर्स के मुकाबले बहुत ही एक अनोखा और अलग किस्म का हैंडल बार यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि मैक्सी स्कूटर्स में आता है। स्विच गियर की अगर मैं बात करूँ तो स्विच गियर यहाँ पे डिसेंट क्वालिटी का है, बहुत कुछ ज़्यादा अच्छा या बुरा मुझे नहीं लगा। मीटर कंसोल इज़ फुल्ली डिजिटल, आपको इसमें स्पीडोमीटर, 2 ट्रिप मीटर्स, टोटल किलोमीटर्स, क्लॉक और फ्यूल लेवल इंडिकेटर मिल जाता है। वाइट बैकलिट पर यह आता है, फुल्ली डिजिटल है, और इसके अलावा आपको साइड इंडिकेटर्स, हाई बीम जैसे इंडिकेशंस देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, ये जो मीटर है इसमें आपको ऑयल चेंज इंडिकेशन देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर स्कूटर्स में लोग ऑयल चेंज करना भूल जाते हैं, और बाइक की तरह यहाँ पे सिस्टम नहीं है, तो ऑयल चेंज इंटरवल आपको देखने को मिलेगा, जिसके हिसाब से आपको मेंटेनेंस में और भी आसानी होगा। ये मैं प्लास्टिक हटा देता हूँ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं बहुत ही यहाँ पे शार्प एंड क्लीन लुकिंग इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको देखने को मिल जाते हैं। ईजी टू रीड है, लेकिन थोड़ा सा जब आप सीधा बैठेंगे थोड़ा सा दूर लगेगा मीटर कंसोल दूसरे स्कूटर्स के मुकाबले। स्टोरेज की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो लेफ्ट हैंड की तरफ आपको एक स्टोरेज मिल जाता है जहाँ पे USB चार्जिंग का फैसिलिटी दिया गया है। आप अपने मोबाइल या फिर किसी भी स्मार्ट डिवाइस को यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं, 12 वोल्ट का चार्जर लगा हुआ है। ये तो लेफ्ट साइड हो गया। राइट साइड में अगर मैं बात करूँ तो राइट साइड में भी एक बहुत ही डीप पॉकेट दिया गया है, और यहाँ पे पॉकेट्स में कोई भी लॉक वगैरह नहीं है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी डीप है, और आप अपने छोटे मोटे सामान जैसे कि वाटर बॉटल्स, मोबाइल फोन वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। लॉक मैकेनिज्म दिया गया है एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए की होल में, और यहाँ पे एक हुक मिल जाता है फ्रंट में, आपको फिक्स्ड हुक मिल जाता है जिसमें आप सामान वगैरह टांग के ला सकते हैं। सीट के नीचे एक और रिट्रैक्टेबल हुक आपको देखने को मिलेगा। लेग स्पेस की अगर बात करूँ तो लेग स्पेस डिसेंट, और यहाँ पे आप इस तरह से अपने पैरों को फैलाकर क्रूजिंग मोड में इस स्कूटर को चला सकते हैं। वैसे अगर हम गैस सिलेंडर की बात करें तो हाँ, गैस सिलेंडर भी आप इसमें लेकर जा सकते हैं। ये देखिए रिट्रैक्टेबल हुक एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए। अब अगर हम अंडर सीट स्टोरेज की बात करें दोस्तों, तो अंडर सीट स्टोरेज यहाँ पे एक मैसिव 21.5 लीटर्स का है, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी 5.6 लीटर्स का है, जो कि सीट के नीचे ही है। आपको कोई भी एक्सटर्नल फ्यूल फिलर आपको देखने को नहीं मिलेगा।
स्पेस मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप अपने हाफ फेस हेलमेट के साथ साथ कुछ और भी सामान वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। सीट्स की अगर बात करें तो सीट्स यहाँ पे दूसरे स्कूटर्स की जैसा ही यूनिबॉडी सीट है और दो लोगों के लिए ये स्पेशियस इनाफ है। पीछे की अगर मैं बात करूँ तो बैक लैम्प यहाँ पे LED दिया गया है और इसके साथ साथ इंटीग्रेटेड हैलोजन साइड इंडिकेटर्स दिया गया है जो कि क्लियर लेंस टाइप है। और साइड में आपको बर्गमैन स्ट्रीट यहाँ पे लिखा हुआ 3D में मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर जो मेन फोकस है इंजन उसकी बात करें तो ये वही इंजन है जो सुजुकी का बेस्ट सेलिंग स्कूटर एक्सेस 125 में लग कर आता है। ये सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 124cc का इंजन है जो CVT ट्रांसमिशन पर काम करता है। इसका पावर है 8.7 PS एट 7000 RPM और टॉर्क है 10.2 Nm एट 7000 RPM। सेल्फ और किक स्टार्ट दोनों ही है और SEP यानी कि सुजुकी इको परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी इसमें लगा हुआ है जिसमें कि आपको अच्छा पिकअप के साथ साथ डिसेंट माइलेज भी मिल जाता है। इंजन यहाँ पे बहुत ही रिफाइंड है और लॉन्ग लास्टिंग है क्योंकि आप जानते ही हैं सुजुकी एक्सेस का रेपुटेशन क्या है, तो सुजुकी ने यहाँ पे वही इंजन लगाया है। लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर पावर और टॉर्क ज़्यादा होता तो स्कूटर के लुक्स के हिसाब से और भी अच्छा हो सकता था। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा और फ्रंट की तरफ आपको 12 इंच के 90x90 साइज के ट्यूबलेस टायर मिलेंगे। दोनों ही टायर्स वैसे ट्यूबलेस है और कंबाइंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी का यहाँ पे दिया गया है और फ्रंट की तरफ आपको डिस्क ब्रेक का सुविधा मिल जाता है। ये डिस्क ब्रेक के साथ ही अवेलेबल है और पीछे अगर हम बात करें तो नॉन एडजस्टेबल हाइड्रोलिक स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन मिल जाता है और पीछे आपको 90x100 10 इंच के ट्यूबलेस टायर्स लगे हुए हैं। पीछे आपको 130mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा और एक छोटा सा टायर हगर यहाँ पे लगा हुआ है। और इसकी अगर हम एग्जॉस्ट की बात करें तो एग्जॉस्ट भी देखने में बहुत ही अनोखा है दूसरे स्कूटर्स के मुकाबले। और जैसे कि मैंने आपको बताया टायर्स ट्यूबलेस है, MRF या फिर C8 के आपको टायर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बाकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो फुल्ली फाइबर बॉडी होने की वजह से वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, 108 kg है। सीट हाइट 780mm है जो ताकि लेडीज़ या जेंट्स कोई भी इसको राइड कर सके। ग्राउंड क्लियरेंस 160mm है जो कि इंडियन रोड्स के हिसाब से ठीक ठाक मैं कहूँगा। और माइलेज की अगर मैं बात करूं तो 45 से लेकर 50 के बीच में आपको माइलेज मिल सकता है और टॉप स्पीड आपको 100 के करीब करीब या फिर आप अगर बहुत ही दुबले पतले राइडर है तो 100 के ऊपर भी 102-104 तक भी आप लेकर जा सकते हैं। कोलकाता में इसका जो एक्स्ट्रा रूम प्राइस है वो 72,300 rupees है। और अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो पीछे का जो टायर है ये भी मुझे 12 इंच का होना चाहिए था ऐसा मुझे लगता है क्योंकि स्कूटर के हिसाब से अंडरसाइज्ड रियर टायर है ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हम आगे फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड राइड सेफ।